न्यास के बारे में पढ़ा है? हाँ। आप सबने पढ़ा है ना? हाँ। कितने प्रकार का नाड़ी विन्यास होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है जालीदार नाड़ी विन्यास और एक होता है समानांतर नाड़ी विन्यास, उसको आज हम देखते हैं, है ना। देखो ये पत्ती को देखो, इसमें ये जो दिख रहा है नाड़ियां या नस जिसको बोलते हैं इसका, है ना, तो ये देखो जाली की तरह है, इधर से इधर गया है, इधर गया है, इधर गया है, और इसको अगर हम फाड़ें तो भी ये कैसे फट रहा है? टेढ़ा मेढ़ा फट रहा है, तो इसको बोलते हैं जालीदार नाड़ी विन्यास। और ये है एक लेमन ग्रास की पत्ती, इसमें देखो अगर हम इसको फाड़ रहे हैं तो ये कैसा फट रहा है? सीधा फट रहा है। ये सारी जो पत्तियों की नसें हैं वो एक दूसरे के समानांतर फट रही हैं, है ना, तो ये है कौन सा? समानांतर नाड़ी विन्यास। ठीक है, समझ में आ गया। ये समानांतर नाड़ी विन्यास और ये जालीदार नाड़ी विन्यास। ऐसा समानांतर नाड़ी विन्यास में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? रेशेदार जड़ें, है ना। जिसमें समानांतर नाड़ी विन्यास होता है उसमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, जैसे घास का पौधा, गेहूं, धान, ये सब में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं और समानांतर नाड़ी विन्यास। और जिसमें इस तरह से जालीदार नाड़ी विन्यास पाया जाता है उसमें कौन सा जड़ पाया जाता है? मूसला जड़। प्रायः ये जो होता है वो पेड़ होता है, है ना, जिसमें रेशेदार नाड़ी विन्यास और मूसला जड़ पाया जाता है वो क्या होते हैं? बड़े बड़े पेड़। ठीक, सब समझ गए। पत्तियों में कितने प्रकार का नाड़ी विन्यास पाया जाता है? दो प्रकार का, समानांतर विन्यास और जालीदार नाड़ी विन्यास। ठीक है,